गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7 में पार्ट 5 स्थान और समय पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने इस पार्ट में दो भाग किए हैं जिसमें से भाग एक हम आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट में हम जो भी तारीखें हम कैलेंडर में मोबाइलों में देखते हैं, जो महीने देखते हैं, जो समय हमारी घड़ी बताती है हमें, वह किस प्रकार से निश्चित किया गया है, उसके बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। तो पाठ 5 स्थान और समय। तो बच्चों, आपने पृथ्वी देखी होगी। पृथ्वी पर आड़ी और टेढ़ी लाइनें होती हैं, आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों, आड़ी और टेढ़ी लाइनें होती हैं। काल्पनिक रेखाएं अर्थात कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई रेखाएं हैं। यह रेखाएं पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती। ओके बच्चों, तो बच्चों आड़ी खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश वृत्त कहते हैं और खड़ी रेखाओं को हम रेखा या देशांतर रेखा कहते हैं। ओके बच्चों, तो जो रेखाएं खड़ी खींची गई हैं अर्थात सीधी लाइन में खींची गई हैं, उन्हें हम देशांतर रेखा या रेखांश कहते हैं, और जो रेखाएं आड़ी खींची गई हैं उन्हें हम अक्षांश वृत्त कहते हैं। तो बच्चों, ये सब क्या है, इसे हमें खेल के प्रकार से समझते हैं। हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है अर्थात एक गोल राउंड बनाना है। उसमें एक पेंसिल और कागज लेकर अपनी कक्षा के विविध जगहों को मापिए, उसके बाद कागज पर एक वृत्त बनाइए अर्थात गोल वृत्त बनाना है, और उसमें 10 अंश, 90 अंश, 30 अंश एवं 60 अंश के कोण बनाकर वृत्त का उल्लेखन करना है। ओके बच्चों, ये काम हमने कर दिया। अब इसके आगे पृथ्वी के केंद्र पर विषुववृत्त के साथ बनने वाला कोण अर्थात वृत्त या अक्षांश कहलाता है। पृथ्वी के केंद्र अर्थात मध्य में विषुववृत्त के साथ बनने वाला कोण क्या कहलाता है बच्चों, अक्षांश कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षांश। पर यह लाइन विषुववृत्त दर्शाती है। कौन सा वृत्त दर्शाती है, विषुववृत्त, और इस पर कोण बनने वाला उसे हम अक्षांश कहते हैं। अब हम अक्षांश के बारे में और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी के केंद्र से जोड़ा जाए अर्थात जो केंद्र हमने यहाँ पर बनाया है वृत्त के बीचों बीच, उस केंद्र से पृथ्वी के किसी भी भाग से लाइन खींचकर उस केंद्र से जोड़ा जाए, तो उस रेखा से विषुववृत्तीय काल्पनिक सतह के साथ केंद्र पर जितने अंश का कोण बनेगा वही उस स्थल का अक्षांश होगा। ओके बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर लाइनें खींची हैं, एक 90 अंश का कोण और एक 0 अंश का कोण, तो 90 और 0 अंश के कोण को हमने केंद्र पर जोड़ दिया, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है बच्चों, 90 अंश का कोण बन रहा है। ओके, तो यह 90 अंश का कोण उस स्थान का क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अक्ष वृत्त की। पृथ्वी पर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में विषुववृत्त के समान कोणीय अंतर पर स्थित स्थलों को जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम वृत्त को अक्ष वृत्त कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो लाइन पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, तो दो भाग पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाले विषुववृत्त के समान कोणीय पर स्थित स्थलों को जोड़ने वाले पूर्व और पश्चिम वृत्त अर्थात क्या होता है, हम वो समझेंगे। तो बच्चों,
देशांतर अर्थात पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी की दूरी के साथ समकोण पर जोड़ दें तो रेखा से मूल रेखा वृत्त की काल्पनिक सतह के साथ दूरी पर जितने अंश का कोण बने वही उस स्थल का देशांतर कहलाता है। तो बच्चों, देशांतर के बारे में हम एक क्रियाकलाप करेंगे, ओके, जिससे हम देशांतर को और भी अच्छी तरह से समझ सकें। रेखावृत्त अर्थात क्या? पृथ्वी की दूरी से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक सतह के साथ पृथ्वी की सतह पर समान कोणात्मक दूरी पर स्थित स्थल को जोड़ने वाली उत्तरी दक्षिणी रेखा को रेखावृत्त कहते हैं। अर्थात कि पृथ्वी की दूरी से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक सतह के साथ पृथ्वी की सतह पर समान कोणात्मक दूरी पर स्थित स्थल को जोड़ने वाली उत्तरी दक्षिणी रेखा को रेखावृत्त कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के दो भागों को जोड़ने वाली रेखा को रेखावृत्त कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। 23.5 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश वृत्त खींचिए और उन पर किन किन देशों से होकर वह गुजरता है उसे हमें लिखना है। ओके बच्चों, तो बच्चों नीचे की सतह का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। बच्चों, पृथ्वी को केंद्र से जोड़ने वाली रेखा को वृषुवृत्त रेखा कहते हैं। यह वृषुवृत्त रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, जिसे ऊपर के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे के भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं अपने क्रियाकलाप की कि हम किस प्रकार से किसी भी स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं देशांतर और देशांतरीय स्थल। उसके पहले बच्चों हम इतना जान लें कि GPS मोबाइल फोन और गूगल क्या होता है। ओके, तो GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके द्वारा साधन के माध्यम से हम अंतरिक्ष में गतिमान रहे उपग्रह द्वारा किसी भी स्थल के सही अक्षांश और देशांतर को हम जान सकते हैं। अब ऐसी सुविधाएं हमें मोबाइल में भी GPRS द्वारा अर्थात इंटरनेट के माध्यम से अपने स्थल के विषय में हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और माय लोकेशन क्लिक करते ही आपके गांव या शहर का अक्षांश और देशांतर हम सरलता से जान सकते हैं। ओके बच्चों, ये आपके मोबाइल फ़ोन के द्वारा आप किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर सरलता से जान सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं पर उत्तर और दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। ओके, जैसा कि हमने पृथ्वी पर देखा था कि जो आड़ी और टेढ़ी रेखाएं खींची गई हैं उस काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। नीचे दिए गए विश्व के नक्शे में 0 अंश देशांतर रेखा किस देश से होकर गुजरती है उसे खोजिए तथा पूर्व और पश्चिम दिशा में कितने देशांतर हैं इसे देखिए। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? ये रहा 0 अंश का देशांतर, जो कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंडमान निकोबार, म्यांमार, सिंगापुर जैसे देशों से होकर गुजरता है। ओके बच्चों, तो इस नक्शे के द्वारा हम देख सकते हैं कि 0 अंश के देशांतर कहां कहां से होकर गुजरते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य देशांतर रेखा की, इसमें से पहला है ग्रीनविच रेखा। ओके बच्चों,
तो इंग्लैंड में ग्रीनविच पर से गुजरने वाले जीरो अंश की देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो आपके मन में प्रश्न होगा सर इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह देशांतर रेखा जीरो अंश से होकर इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इससे पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम दो भाग बन जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। देशांतर दोनों तरफ 180 अंक तक गिने जाते हैं। अंश तक हम देशांतर रेखा को गिनते हैं। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है कि ग्लोब और नक्शे की मदद से हमें पूर्व की दिशा में आने वाले देशों के नाम और पश्चिम की दिशा में आने वाले देशों के नाम लिखने हैं। ओके बच्चों, तो यह आप नक्शे के आधार पर सरलता से पता कर सकते हैं कि पूर्व के भाग में कौन कौन से देश आते हैं और पश्चिम के भाग में कौन कौन से देश आते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारा भाग एक यहीं पर ख़त्म होता है, आगे का वीडियो नेक्स्ट भाग में। ओके बच्चों, थैंक यू।